अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो हमारे बच्चों को कौन देखने वाला है? इसे कोरोना में ड्यूटी करते करते हमारे हस्बैंड गुजर गए, कोई साथ नहीं दिए, कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा? उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने 8 माह से बकाया भुगतान कराए जाने की मांग उठाई है और सिविल लाइंस धरना स्थल पर प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आशा वर्कर इकट्ठा हुई। आशा वर्कर्स का कहना है, जब तक बकाया प्रस्थान राशियों को सरकार नहीं देती तब तक लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित 3 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा और कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राथमिक एवं सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगी। इतना मिले कम से कम हम अपने बच्चों का भविष्य बना सके, उनको पढ़ा लिखा के अच्छे से खिला पिला सके, रात दिन उनके लिए काम करते हैं तो हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो हमारे बच्चों को कौन देखने वाला है? इसे कोरोना में ड्यूटी करते करते हमारे हस्बैंड गुजर गए, कोई साथ नहीं दिए, कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा? अगर हमें कुछ हो गया तो मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। फिर से आने वाला है, ड्यूटी हम तभी करेंगे जब सरकार जिम्मेदारी लेगी हमारे बच्चों का, नहीं तो हम ड्यूटी नहीं करेंगे। यही ड्यूटी इसी में आशा में मेरी ड्यूटी थी, लेकिन मेरे कारण ही उनकी जान गई ना, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते थे, हमारे भुगतान से नहीं मतलब, हमारे बच्चों से नहीं, इतना मिले कि घर का खर्च चल सके। अपने कामिनी शर्मा, मेन मुद्दा है हम लोगों का कि एक मानदेय, निश्चित मानदेय कर दे वेतन के लिए है। कितना मांग रही हैं आपको, क्या मांग रहे? कम से कम 18,000 और हम लोगों निश्चित मानदेय, निश्चित काम, ये नहीं कि 24 घंटे काम करवाते रहे, काम के अलावा और कुछ नहीं है। काम तो करवाते हैं लेकिन दाम देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम सरोज कुशवाहा है, मैं जिसरा ब्लॉक से आशा हूँ। हम लोगों का जब से 2022 मार्च में पेमेंट क्लोज हो जाता है उसके बाद से नया पेमेंट बनता है, खास तौर से हम लोगों का उसमें घाला मेला हुआ है। फिर 8 महीने का भुगतान रोका गया था, हर ब्लॉक की यही कंडीशन है, कोई मेरे ब्लॉक की नहीं, हर ब्लॉक की कंडीशन है। किसी के अकाउंट में 5,000 गया, किसी के अकाउंट में 2,000 गया, किसी के बोलेंगे कि मतलब हो गया मान। अब आपको मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है? हम लोगों को देखिए हक के हिसाब से 2,000 गवर्नमेंट दे रहे तो कुछ भी नहीं दे रही। हम लोगों को परमानेंट अगर करे तो 15,000 रुपए करे, हम लोगों की ये मांग है 15,000 करे और प्लस परमानेंट करे। क्यों? जितने वर्क हैं सब वर्कों से हम लोग काम कम कर रहे हैं, जितने कर्मचारी हैं सब कर्मचारी से हम लोग काम कर रहे हैं। हर एक मिनट रुकिए, हर कर्मचारी ऐसे हैं कि मतलब छुट्टी रहती है ना, हर पर्व का छुट्टी रहती है। हम लोगों को डिलीवरी आ गई, कोई भी चीज आ गई, चाहे रात हो चाहे दिन, हम लोग परमानेंट जाते हैं, काम करते हैं। गवर्नमेंट हम लोगों को भुगतान देने में क्यों ऐसे कर रही है? किरण सिंह मेजा से।